गैस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक ऐसे सिंटेक्स के बारे में जिसको सुनकर आप को भी मजा आ जाएगा। आप लोग भी कहोगे कि यार ये जावास्क्रिप्ट में कितनी बढ़िया चीज़ बनी है, और वो है एसिंक अवेट। अब एसिंक अवेट क्या होता है सबसे पहले आप लोग को ये बताता हूँ। आप लोग अपने कोड को इंतजार करवा सकते हो। एक फंक्शन को सबसे पहले हम लोग एसिंक डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद उसके अंदर अलग अलग पीसेज ऑफ कोड्स को हम लोग इंतजार करवा कर उनकी रिटर्न वैल्यू का इंतजार करते हैं। एग्जैक्टली ये चीज कैसे की जाती है चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और इसको देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग एक ऐसे सिंटेक्स की बात करेंगे जिसको सुनने के बाद आप लोगों को प्यार हो जाएगा प्रोमिसेस से और आप लोग भी जावास्क्रिप्ट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने लग जाओगे। तो यार चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम लोग एसिंक अवेट को देखने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए एक रैपल बना दी है और इसमें मैं आपको एसिंक अवेट बताऊँगा। सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ वो ये है कि एसिंक अवेट जो है वो आपकी ज़िंदगी आसान करने के लिए बनाया गया है, जस्ट लाइक प्रोमिसेस। डॉट देन का सिंटेक्स शायद आप लोगों को अच्छा ना लगे, शायद आप लोग डॉट देन कर करके भूल जाओ, मतलब कॉल बैक हेल वाली प्रॉब्लम को तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन देर इज़ अ चांस कि आप लोग डॉट देन में खो जाओ, कितने डॉट देन है गिनने लग जाओ। नहीं, आपको नहीं करना है। आप एसिंक अवेट जो है सिंटेक्स इस्तेमाल कर सकते हो इनसाइड अ फंक्शन, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे थोड़ा सा और उसके बाद आप लोगों को एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। देर इज अ स्पेशल सिंटेक्स टू वर्क विद प्रोमिसेस इन जावास्क्रिप्ट। एक स्पेशल सिंटेक्स है, क्या है वो? एसिंक अवेट सिंटेक्स है। किसी भी फंक्शन को हम एसिंक बना सकते हैं। क्या होती है ये चीज़ अभी बताता हूं, बट हम किसी भी फंक्शन को एसिंक बना सकते हैं, ठीक है। और एसिंक बनाने के बाद उसके अंदर हम प्रोमिसेस को अवेट कर सकते हैं। एक बार और बोलूंगा, हम किसी भी फंक्शन को एसिंक बना सकते हैं और उसके बाद उसके अंदर प्रोमिस को अवेट कर सकते हैं। हम किसी भी फंक्शन को एसिंक बना सकते हैं और उसके बाद उसके अंदर प्रोमिस को अवेट कर सकते हैं। मैं इतनी बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोग ग्रास्प कर लो, ठीक है। एन एसिंक फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ प्रोमिस, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। अदर वैल्यूज आर रैप्ड इन अ प्रॉमिस ऑटोमेटिकली। अगर आपने रिटर्न 7 कर दिया तो एक प्रॉमिस जो कि 7 में रिजॉल्व हो रही है वो रिटर्न हो जाएगी। वी कैन डू समथिंग लाइक दिस, हैरी डॉट देन अलर्ट, यानी कि ये अगर एसिंक फंक्शन है तो हम उसके बाद डॉट देन कर सकते हैं भाई, क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है तो डॉट देन तो हम कर ही सकते हैं। सो एसिंक इंश्योर्स दैट द फंक्शन रिटर्न्स अ प्रॉमिस एंड रैप्स नॉन प्रॉमिसेस इन इट, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर और समझते हैं। और यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट भी चला ही लेता हूँ यार, ताकि मुझे मेरा कंसोल दिख जाए, और इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ जस्ट थोड़ी सी स्पेस बनाने के लिए, और जूम इन भी कर लेता हूँ। और ऑब्वियसली मैं यहाँ पर script.js में लिखना चाहूँगा। अब मैं आप लोग को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर मैंने लिखा async function Harry, जैसे कि मैंने example में लिखा हुआ था, तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। मैं यार थोड़ा रेपलेट का घोस्ट राइटर बंद करूँगा यहाँ से, क्योंकि अच्छा तो होता है बट जो मैं समझा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ सिर्फ मैं ही समझाऊँ और कोई ना समझाए, ठीक है, रेपलेट का घोस्ट राइटर ना समझाए। अब एसिंक फंक्शन हैरी मैंने लिखा और मान लो मैंने रिटर्न 5 कर दिया। अब आप कहोगे ये कैसा मजाक है, मैं यहाँ पर हैरी डॉट देन कर सकता हूँ और यहाँ पर एक वैल्यू लेके, ज़रूरी नहीं है मैं वैल्यू लिखूँ, मैं एक्स भी लिख सकता हूँ और मैं यहाँ पर अलर्ट एक्स कर सकता हूँ। इसी को मैं सिंपल तरीके से अलर्ट भी लिख सकता था, सिर्फ इतनी जगह पर अलर्ट भी लिख सकता था, बट आप लोगों को सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ कि इससे कोई कंफ्यूज मत हो जाना। ये अलर्ट क्या लिख दिया, अलर्ट लिख लूँ मैं या अलर्ट फंक्शन के अंदर वही फंक्शन लिख दूँ, बात बराबर ही है, ठीक है। तो ये मैंने किया। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसको रिलोड करके दिखाऊँ तो क्या होगा कि 5 यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। क्या होगा अगर मैं यहाँ पर एसिंक हटा दूँ, क्या होगा अगर मैं यहाँ से एसिंक फंक्शन को हटा दूँगा? एक मिनट, ये अभी सेव नहीं हुआ था। डॉट देन इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है, डॉट देन इज़ नॉट अ फंक्शन, ये मुझे एरर मिल रहा है। तो ये बात तो हमने क्लियर कर ली कि भाई जो एसिंक कीवर्ड होता है किसी भी फंक्शन से पहले अगर हमने लगा दिया तो ये इंश्योर हो जाता है कि ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। लेकिन ऐसा करके फ़ायदा किया, जावास्क्रिप्ट इंजन बनाने वालों ने ऐसा किया क्यों होगा? ऐसा इसलिए किया कि मान लो हमारे पास दो प्रोमिसेस हैं, एक P1 और एक P2। और बहुत रियलिस्टिक आप लोगों को एग्जाम्पल देने के लिए मैं P1 को बोलूँगा और न्यू प्रॉमिस, और बस आप मुझे यहाँ पर इसे टाइप करने दो और मैं आप लोग को बताता हूँ क्या होने वाला है अभी यहाँ पर। हाँ, सेट टाइम आउट तो यूज़ करेंगे यार, उसके बिना काम ही नहीं है। और सेट टाइम आउट एक फंक्शन लेगा और उसके बाद क्या करेगा, रिजॉल्व कर देगा ये विद द वैल्यू ऑफ मान लो डेटा 1, ठीक है। और ये जो P1 प्रॉमिस है ना, मान लो आपने रिक्वेस्ट किया
दिल्ली की वेदर, दिल्ली की वेदर आपने जो है ये मान लो रिक्वेस्ट करी और मान लो 27 आ गई, ठीक है, डिग्रीज 27 डिग्री सेल्सियस आ गई। अब मान लो आपने रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट कहाँ से करी, एक सर्वर से, एक सेंट्रल सर्वर से जो कि डेटा मेंटेन करता है। आपने इसके बाद बैंगलोर की वेदर जो है वो रिक्वेस्ट करी और बैंगलोर की वेदर आ गई प्लेजेंट 21 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और ये आपको रिटर्न की जाएगी। मान लो जब आप दिल्ली वेदर रिक्वेस्ट कर रहे हो, कन्फ्यूज मत हो जाना यार इस चीज़ से, आई होप कि आप कन्फ्यूज़ नहीं हो गए मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने बेसिकली एक प्रॉमिस बनाया, कभी भी हमें ऐसा करने की ज़रूरत, कभी भी तो नहीं बोलूँगा गलत हो जाएगा, यूजुअली हमको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि हम जो भी फंक्शंस के साथ डील कर रहे होंगे वो ऑटोमेटिकली हमें प्रॉमिस रिटर्न करके देगी। फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ, मोंगूज यूज़ करता हूँ मैं, मोंगूज से जब आप डेटा लेते हैं तो जैसे मान लो आपने फाइंड वन किया तो वो एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। प्रॉमिस रिटर्न करने का मतलब क्या है कि भाई अभी मैं डेटा लेकर आ रहा हूँ, तब तक के लिए इंतजार करो, जैसे ही आ जाएगा रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है, ये होता है मतलब। तो यहाँ पर दिल्ली वेदर एक नई प्रॉमिस मैंने बना दी है, मैंने मिमिक करने की कोशिश करी है अपने इस तरह के फंक्शंस को जो कि ऑटोमेटिकली प्रॉमिस रिटर्न करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर न्यू प्रॉमिस लिखा हुआ है। आप लोग भी ऐसे लिख सकते हो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो इस एग्जांपल को, लेकिन यूजुअली जब आप कोडिंग करोगे जावास्क्रिप्ट में तब आपको न्यू प्रॉमिस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली एक प्रॉमिस रिटर्न करके दी जाएगी। विद दैट सेट हमारे पास दो प्रॉमिसेस हैं, एक दिल्ली वेदर जो कि एक सेकेंड में रिजॉल्व होती है और एक बैंगलोर वेदर जो कि दो सेकेंड्स में रिजॉल्व होती है। एसिंक फंक्शन हैरी, ये जस्ट मैंने आप लोगों को ये दिखाने के लिए बनाया था कि आप इस तरह से डॉट देन कर सकते हो और ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि दिल्ली की वेदर जैसे ही आ जाए मुझे दिल्ली की वेदर दिखा दी जाए, बैंगलोर की वेदर जैसे ही आ जाए मुझे बैंगलोर की वेदर दिखा दी जाए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? आप सोचोगे कि मैं कुछ ऐसा करूँगा दिल्ली वेदर डॉट देन और उसके बाद मैं करूँगा यहाँ पर बैंगलोर वेदर डॉट देन, और मैं एक काम करूँगा अभी यहाँ पर एग्जांपल को थोड़ा सा और क्रिस्प बनाने के लिए सारा का सारा मसाला मैं कहाँ ले लूँगा? इसके अंदर ले लूँगा, फंक्शन के अंदर, ये सब कुछ फंक्शन के अंदर हो रहा है, ठीक है। एंड फाइनली फंक्शन कुछ रिटर्न भी नहीं कर रहा है, ठीक है, वो जस्ट मैंने आप लोगों को ये दिखाने के लिए बताया था कि ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा हमेशा एसिंक फंक्शन अगर आप एक कॉन्स्टेंट भी रिटर्न कर देते हो इससे। तो अब आप यहाँ पर देखो दिल्ली वेदर बैंगलोर वेदर, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप कुछ ऐसा कर लो कि भाई दिल्ली वेदर डॉट देन और उसके बाद कुछ चले, मान लो मैं अलर्ट करना चाहता हूँ और मैं इसको कॉल कर दूंगा हैरी को, ठीक है, मैं इस तरह से हैरी को कॉल कर दूंगा। मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ क्या होगा, 27 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। कितनी देर बाद आया? एक सेकेंड के बाद आया, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लिख के वेलकम टू वेदर कंट्रोल रूम, ठीक है, रीलोड करूँगा, यहाँ पर लिख कर आएगा वेलकम टू वेदर कंट्रोल रूम। एक सेकेंड के बाद आपको दिल्ली की वेदर मिल गई और एक सेकेंड के बाद आपको बैंगलोर की वेदर भी मिल जाएगी यार, ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये मिला आपको और उसके बाद 21 मिलना चाहिए था यार, बैंगलोर वेदर डॉट देन अलर्ट किया मैंने, ओके किया मैंने, 21 भी मिल गया मुझे, ठीक है। मान लो मैं इसको 6 सेकंड के बाद कर दूं या 7 सेकंड के बाद कर दूं और उसके बाद रिलोड करूं, 27 तो मुझे इमिडिएटली मिल गया, कुछ देर के बाद 21 मिल जाएगा, ठीक है, मिलने वाला है, बस मिल गया, हाँ मिल गया, ठीक है, 7 सेकंड के बाद। तो ये तो हमने देखा ही था, ये तो है, क्या कोई बेटर तरीका है? यस, बेटर तरीका है। क्या है वो बेटर तरीका? मैं दिल्ली वेदर जो भी रिटर्न करने वाला है उसको एक वेरिएबल में ले सकता हूँ, यहीं के यहीं, मतलब ये तो ठीक है, ये तो काम आता ही है, लेकिन मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ लेट दिल्ली w इज इक्वल टू अवेट दिल्ली वेदर, ठीक है, मैं अवेट करूँगा और जो भी रिजॉल्व करेगी ये प्रॉमिस वैल्यू वो इसमें आ जाएगी। और मैं करूँगा यहाँ पर लेट बैंगलोर w इज इक्वल टू अवेट बैंगलोर वेदर, ठीक है। और मान लो मैं रिटर्न करना चाहता हूँ दिल्ली w और बैंगलोर w, तो क्या होगा कि जब तक दिल्ली वेदर नहीं मिल रही है मुझे ये रुका रहेगा, और उसके बाद जब तक बैंगलोर वेदर नहीं मिल रही है ये रुका रहेगा, यानी कि पहले ये चीज़ पूरी रिजॉल्व होके वैल्यू इसकी आएगी फिर ये नीचे जाएगा, यानी मैंने फंक्शन के एग्जीक्यूशन को रोक दिया एक तरह से, यानी कि ये जो एसिंक फंक्शन था ये बोलेगा हाँ ठीक है चला दिया, चला दिया, चलो भाई चला दिया,
ये कमेंटेड है तो नहीं चलाएगा ऑब्वियसली, बट जैसे ही यहाँ पर अवेट कीवर्ड को देखेगा ये बोलेगा रुको पहले इस प्रॉमिस को रिजॉल्व होने दो, आगे मत बढ़ना इस प्रॉमिस को रिजॉल्व होने दो। फिर ये बोलेगा चलो ठीक है ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो गई, डेली डब्ल्यू में आ गया 27 DEG, चलो अब आगे बढ़ो। अब बैंगलोर डब्ल्यू को देखो, रुक जाओ, अवेट का मतलब रुक जाओ, जब तक इस प्रॉमिस की वैल्यू रिजॉल्व ना हो जाती, और रादर मैं टेक्निकल टर्म्स में सही से बोलूं तो कहूंगा जब तक ये प्रॉमिस फुलफिल ना हो जाती। रिजॉल्व रिजेक्ट तो बात की बात है, हम उम्मीद करते हैं रिजॉल्व होगी, रिजेक्ट भी हो सकती है, बट फुलफिल होनी चाहिए ये प्रॉमिस, पेंडिंग स्टेटमेंट ही होनी चाहिए। और ये जो बैंगलोर वेदर वाली प्रॉमिस है इसका इंतज़ार किया जाएगा कि ये रिजॉल्व हो या रिजेक्ट हो, जो भी होना है हो, एंड फाइनली नीचे क्या किया जाएगा, ये रिटर्न कर दिया जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ, मान लो मैं लेट ए इज इक्वल टू ऐसे लिख दूँ हैरी, और उसके बाद मान लो मैं कंसोल डॉट लॉग ए कुछ इस तरह से कर दूँ, थोड़ा वेट करता हूँ क्योंकि रेपलेट को सेव करने में टाइम लगता है, और ये देखो प्रॉमिस पेंडिंग यहाँ पर आ गया। तो बेसिकली क्या है कि ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है मुझे, ठीक है, ये हमेशा एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। एंड ये प्रॉमिस फाइनली फुलफिल हो गई है देखो, ठीक है, और इसके अंदर है दो मेरे वेरिएबल्स, एक है 27 डिग्रीज, एक है 21 डिग्रीज, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ कि ये रुक रहा है एक्चुअल में। आप लोगों की क्या प्रूफ है भाई कि ये रुक रहा है डेली वेदर लाने के बाद या फिर ये लाने के बाद ये रुक रहा है? तो मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर ज़रा कुछ ये चीज़ें लिखूँगा, मैं कहूँगा फेचिंग डेली वेदर प्लीज़ वेट, ठीक है, और सेम काम मैं बैंगलोर के वेदर के साथ भी करूँगा। मैं कहूँगा फेचिंग बैंगलोर वेदर प्लीज़ वेट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा कि भाई बैंग दिल्ली की वेदर फेच हो चुकी है, और यहाँ पे लिखूँगा बैंगलोर की वेदर हैज़ बीन फेच्ड, यहाँ पे लिखता हूँ इज़, और यहाँ पर लिख दूँगा प्लस बैंगलोर डब्लू, और यहाँ पर इसको फेस्ट कर दूंगा, फेस्ट बैंगलोर वेदर, ठीक है, और यही चीज़ मैं कॉपी करके ऊपर डाल दूंगा जहाँ दिल्ली वाला लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर लिख दूंगा भाई दिल्ली की वेदर भी फेच की जा चुकी है, इसको सेव करूँगा। अब देखो ये कैसे काम करेगा, अब आप देखना ये क्या करेगा, सबसे पहले मुझे ये प्रिंट करके देगा कंसोल डॉट लॉग फेचिंग दिल्ली वेदर प्लीज़ वेट, ठीक है, एक सेकेंड के बाद, मैं थोड़ा टाइमिंग बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे, 5 सेकंड में दिल्ली की वेदर आ रही है, या फिर ज़्यादा हो गया, 2 सेकंड में दिल्ली की वेदर आ रही है, और 5 सेकंड में कर देते हैं बैंगलोर की वेदर आ रही है। तो ये क्या करेगा, इस फंक्शन को रन करेगा, इस फंक्शन को रन करने के बाद बोलेगा फेचिंग दिल्ली वेदर प्लीज़ वेट, मैं वेट करूँगा, फिर उसके बाद दिल्ली की वेदर जैसे ही फेच हो जाएगी तो क्या होगा, आपको ये प्रिंट होकर मिलेगा फेच्ड दिल्ली वेदर, और जो भी वेदर है वो आएगी, उसके बाद आप लोग को देखने को मिलेगा फेचिंग बैंगलोर वेदर प्लीज़ वेट, फिर उसके बाद अगले 5 सेकंड के बाद आप लोग को क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा फेच्ड बैंगलोर वेदर। और सही टर्म्स में अगर मैं कंसोल डॉट लॉग ए करना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से करूँगा, मैं कहूँगा ए डॉट देन, और मैं कहूँगा वैल्यू, और यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग वैल्यू, ठीक है, और ये करने के बाद थोड़ा वेट करते हैं, सेव हो रहा है अभी भी, फॉर्मेटिंग स्क्रिप्ट प्लीज़ वेट, कभी कभी आपके इंटरनेट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है, ठीक है, अगर आपका इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, कभी कभी इंटरनेट स्लो चलता है। अब देखो फेचिंग दिल्ली वेदर प्लीज़ वेट, ये हो गया 2 सेकंड के बाद, अब अगले 5 सेकंड के बाद ये हो गया, ठीक है, तो एक तरह से मैंने फंक्शन के एग्जीक्यूशन को रोक दिया जावास्क्रिप्ट में, ये चीज़ अदरवाइज़ मुश्किल होती है, ठीक है, अदरवाइज़ ये जावास्क्रिप्ट में बहुत मुश्किल होता है करना। आप अभी क्या कर सकते हो, आप जो आपके आपका फ्लो है प्रोग्राम का, उसको आप लोग कुछ ऐसा कर सकते हो कि भाई पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा। अगर आप जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हो तो कैसे होता है एग्जीक्यूशन, किस तरह से होता है कि भाई पहला वाला हो जाएगा ठीक है, दूसरा वाला भी हो जाएगा ठीक है, तीसरा वाला भी हो जाएगा और कॉल बैक रन हो जाएगी, चौथा वाला भी हो जाएगा और कॉल बैक रन हो जाएगी, तो आप रोक नहीं पाते हो कभी भी, आप एग्जीक्यूशन को रोक नहीं पाते हो। सकता है कि आपने एक वेरिएबल ए बनाया, फिर आपने वेरिएबल बी बनाया, फिर वेरिएबल सी बनाया, मान लो वेरिएबल डी बनाने के लिए आपको वेरिएबल सी की ज़रूरत है, लेकिन वेरिएबल सी तो एक प्रॉमिस से रिजॉल्व ही नहीं हुई तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन इस तरह की चीज़ को करने से आपको क्या होगा कि पहले वैल्यू मिलेगी, उसके बाद आप यूज़ कर लो उसको, जो वैल्यू चाहिए, जहाँ पे आपको रोकना है एग्जीक्यूशन, प्रॉमिस का वेट कराना है, अवेट कीवर्ड यूज़ कर लो, फंक्शन को एसिंक कर लो, पूरे लॉजिक को एक एसिंक फंक्शन में डाल दो। अलग अलग एसिंक फंक्शंस पैरेलली एग्जीक्यूट होते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया लेट ए इज इक्वल टू हैरी, ठीक है,
और मान लो मैंने लिखा होता एक और फंक्शन होता मान लो हमारे पास चेरी, और मैंने लिख दिया लेट बी इज इक्वल टू चेरी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि पहले हैरी एग्जीक्यूट होगा उसके बाद चेरी एग्जीक्यूट होगा, हैरी एग्जीक्यूट हो जाएगा, हैरी को साइड में रखा जाएगा और उसके बाद बी इज इक्वल टू चेरी ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब पैरेलली दोनों एग्जीक्यूट होंगे हैरी और चेरी। मान लो मैंने चेरी के अंदर लिखा है, मैं फंक्शन बना लेता हूँ चेरी इज इक्वल टू, मैं एरो फंक्शन बना रहा हूँ बेसिकली, मैं मान लो लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग हे आई एम चेरी एंड आई एम नॉट वेटिंग, ठीक है। मैंने इसको रिलोड किया, मैंने क्या चेरी को कॉल किया है, हाँ किया, देखो इमिडिएटली आ गया हैरी ने जो चीज़ें इमिडिएटली इस फंक्शन से जो चीज़ें इमिडिएटली कॉल हुई थी वो हो गई, ठीक है। बट उसके बाद चेरी चला और जब चेरी चला तब ये चीज़ प्रिंट हो गई। ऐसा नहीं है कि पूरे फंक्शन का वेट करेगा ये है आई एम चेरी उसके बाद चलेगा, नहीं ये पैरेलली लग जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। ये लग गया एग्जीक्यूशन के लिए, ये लग गया एग्जीक्यूशन के लिए, लेकिन एक चीज़ इंश्योर की जाएगी वो ये है कि हैरी के अंदर, क्योंकि हैरी एक केसिंग फंक्शन है इसलिए हैरी के अंदर जहाँ जहाँ अवेट कीवर्ड यूज़ हो रखा है वहाँ वहाँ रोकते रुकाते काम होगा। और अगर मैंने ये पूरा लॉजिक भी एक केसिंग फंक्शन में डाल दिया ना यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक और उसके बाद मैं अवेट हैरी करता हूँ और अवेट चेरी करता हूँ तो पहले पूरा हैरी चलेगा फिर चेरी चलेगा, करके दिखाऊँ क्या? चलो करके ही दिखा देता हूँ यार, करके ही दिखा देता हूँ। मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट मेन इज इक्वल टू और एक एरो फंक्शन, ठीक है। और ये जो भी चीज़ अब मैं लिख रहा हूँ वो एक मेन नाम के फंक्शन में लिख रहा हूँ और मेन को कॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है। और मेन एक एसिंक फंक्शन है और मैं चाहता हूँ कि एक एक करके रन हो तो मैं अवेट कर दूंगा हैरी और चेरी को, अवेट हैरी अवेट चेरी। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई अवेट हैज़ नो इफेक्ट ऑन दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, उसका रीज़न ये है कि मैं एक्चुअली इसको एसिंक फंक्शन बना देता हूँ ताकि ये प्रॉमिस रिटर्न करे और इसके बाद यहाँ पर ये ऐसे हो जाए। अभी मैं यहाँ पर बी इज इक्वल टू अवेट चेरी करूँगा तो क्या होगा कि पहले पूरा हैरी रन होगा फिर चेरी रन होगा, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा था कि बीच में चेरी रन हो गया था, लेकिन अब ये पालन करेगा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का। आपको करके दिखाता हूँ, मैं रिलोड करता हूँ इसको और आप देखो एक्चुअली मेन हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ये क्या बोल रहा है। एक्चुअली मैं मेन नाम से फंक्शन नहीं बना सकता तो मैं एक काम करूँगा कि यहाँ पर मेन वन के नाम से बना देता हूँ, मेन वन के नाम से बना देता हूँ, दैट शुड बी फाइन। वेट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करूँगा एंड आप देखो वेलकम टू वेदर कंट्रोल रूम, दिल्ली वेदर फैच हो रही है, बैंगलोर वेदर फैच हो रही है और यहाँ पर ये कह रहे हैं ए डॉट देन इज नॉट अ फंक्शन, ये क्या प्रॉब्लम आ गई। एक्चुअली अभी मैं ए इज इक्वल टू अवेट कर रहा हूँ तो ए के अंदर वैल्यू आ जाएगी प्रॉमिस की, ठीक है। तो ए के अंदर प्रॉमिस नहीं है ए, अब ए के अंदर वैल्यू आ जाएगी तो मुझे ये चीज़ हटानी पड़ेगी, ठीक है। बाकी सब कुछ ठीक है। आप देखो कि यहाँ पर पहले हैरी पूरा चलेगा, देखो पूरा चल रहा है हैरी वाला फंक्शन और इसके बाद हमारा हे आई एम चेरी एंड आई एम नॉट वेटिंग चल रहा है और मैं इसको आई एम वेटिंग कर दूंगा क्योंकि टेक्निकली चेरी इज नाउ वेटिंग, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। आप थोड़ा सा मैं बात करूंगा आप लोगों से, अगर आप लोगों को लगता है एसिंक का वेट थोड़ा सा मुश्किल है और आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मेरे इन वीडियोस को देखें जहाँ से हमने शुरू किया है प्रॉमिसेस, ठीक है। इसको एक बार और देखो, देखो एक बार और देखने में कोई बुराई नहीं है। आप लोग वापस जाओ, नोट्स डाउनलोड करो, ठीक है। यहाँ से प्रॉमिसेस से जहाँ से मैंने पढ़ाया है यहाँ से आप दोबारा से पढ़ना शुरू करो नोट्स को। जहाँ नोट्स समझ में नहीं आए, आपको लगे कि यार मैं क्या कह रहा हूँ नोट्स में, यार समझ नहीं आ रहा है, वीडियो खोल लो, वीडियो के उस पॉइंट पे आ जाओ। मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, एक एक लाइन नोट्स की एक्सप्लेन की हुई है और मैं अभी भी करूँगा इस वीडियो के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि देयर इज अनदर कीवर्ड कॉल्ड अवेट दैट वर्क्स ओनली इनसाइड एसिंक फंक्शंस, जैसे कि वैल्यू इज इक्वल टू अवेट प्रॉमिस हमने कर दिया तो प्रॉमिस की जो भी वैल्यू है वो वैल्यू में आ जाएगी। इसके बाद द अवेट कीवर्ड मेक्स जावास्क्रिप्ट वेट अंटिल द प्रॉमिस सेटल्स एंड रिटर्न्स इट्स वैल्यू, ठीक है। सिंपल सी बात है, इट्स जस्ट अ मोर एलिगेंट सिंटैक्स ऑफ गेटिंग द प्रॉमिस रिजल्ट देन प्रॉमिस डॉट देन, मतलब आप प्रॉमिस डॉट देन कर करके रिजल्ट्स प्राप्त करते हो। अब अवेट लगा के सीधा आपका वेरिएबल के अंदर रिजल्ट आ गया, प्लस इट्स ईजियर टू रीड एंड राइट, क्योंकि आज जब आप रीड करते हो सिंटेक्स को समझ में आ रहा है कि भाई पहले हैरी पूरा चलेगा उसकी वैल्यू ए में आ जाएगी फिर उसके बाद चेरी चलेगा, तो बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है कोड में। आई होप कि आपको जावास्क्रिप्ट से प्यार हो जाएगा और अगर नहीं हो रहा है या नहीं लग रहा है आपको कि हो जाएगा तो आई होप कि आपको डेफिनेटली होगा यार, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।